फ्रेंड्स मोबाइल फ़ोन से जीमेल अकाउंट से पीडीएफ फाइल किस तरह सेंड कर पाएंगे उसकी मैं जानकारी दूंगा। छोटा सा वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से जीमेल आईडी के द्वारा पीडीएफ फाइल को सेंड कर पाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, आप अपने मोबाइल से पीडीएफ फाइल को सेंड करना चाहते हैं तो वो करने के लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा। यानी फाइल मैनेजर में आप अपने पीडीएफ फाइल जो पड़ी हुई उसे या वर्ड एक्सेल फाइल है उसे आप आसानी से सेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में इस तरह से ऑप्शन जो होता है, आप चाहें तो व्हाट्सएप से भी सेंड कर सकते हैं और आपको और कई फोल्डर पड़ी है तो उसे भी आप सेंड कर पाएंगे। तो यहाँ मैं आपको फाइल मैनेजर से सेंड करना बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको काफ़ी सारी फाइलें शो हो रही है जिसमें आपको पीडीएफ, वर्ड एक्सेल और ये अलग अलग फाइल काफ़ी शो हो रही है। तो इसमें से जिस भी फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे उसे आप सेंड कर पाएंगे और वो किस तरह होगा उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यहाँ अलग अलग फाइल आपको शो हो रही है, जो भी आप फाइल सेंड करेंगे तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। और ऐसे अलग अलग वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के द्वारा आप देख पाएंगे। और जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको अपनी एक फाइल को सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो मल्टीपल फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो किस तरह से होगा उसकी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये जीमेल का ऑप्शन शो हो रहा है, आइकॉन दिख रहा है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आगे ऑप्शन शो होता है कंपोज मेल का। कंपोज मेल में आपको ऊपर एड्रेस अपना दिख रहा है जहाँ फ्रॉम में आपका एड्रेस लगा हुआ है और नीचे टू के बाद में आपको जहाँ पर मेल सेंड करनी है वो एड्रेस आप लिख लेंगे। एड्रेस में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, एक एक शब्द का ध्यान रखना है आपको। यानी जो शब्द आप लिखेंगे वो आपको सामने वाले ने जो दिया है उस मेल का आपको एक एक वर्ड का ध्यान रखना है। डॉट है तो डॉट और भी कोई शब्द है छोटे बड़े तो आपको बड़े आराम से केयरफुली होकर लिखना है, वरना सामने वाले को मेल नहीं मिलेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो मेल एड्रेस आप बड़ी आसानी से डाल लेंगे और यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर अटैच फाइल का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था आप दो तीन फाइल सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो अटैच फाइल में आप और ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ में आप मेल में भेज पाएंगे पीडीएफ फाइल को, और फोटो या वीडियो भी डालना चाहें तो वो भी आप यहां से अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और आप उसमें अटैच कर पाते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसमें ड्राइव के द्वारा मैं डालूं कुछ तो आपको फिर से यहीं क्लिक करना होगा और यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको इस तरह से ऑप्शन शो हो जाता है, उसके द्वारा आप यहाँ से भी अपने कुछ डालना चाहें फाइल वाइल तो आप इसमें ऐड कर पाते हैं। और यहाँ आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, जिस सब्जेक्ट का आपने पीडीएफ फाइल भेजना है वो आप यहाँ लिख लेंगे। जैसे मैं फ़ोटोज़ लिख रहा हूँ तो यहाँ पर आप और कुछ लिख सकते हैं जिससे सामने वाला जो आपका मेल लेने वाला है उसे जल्द से समझ में आ जाए कि ये इस संबंध में मेरी मेल आई है। और यहाँ पर आपको ऊपर एक एरो का निशान दिख रहा है, यहाँ आप सेंड पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी ये मेल सेंड हो जाएगी और काफ़ी आसानी से आप अपने मोबाइल के द्वारा जीमेल से पीडीएफ फाइल को सेंड कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।